हो गए, क्राउन भी बन गए, लेकिन ये जो जर्नी है इसमें थोड़ा काम तो करना ही पड़ता है, राइट? जब से इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं, फर्स्ट डे से एक वर्ड बार बार सुनते हैं, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, राइट? जब नए नए हम ज्वाइन होते हैं तो हमें लगता है ये बार बार सपनों की बात क्यों करते हैं, कभी सपने पूरे होते हैं क्या? क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप आते हो तो आपको इतना फेथ नहीं रहता है, सही बात है? तो बार बार सपनों की बात की जाती है और 10-4 में भी हम बार बार सपनों की बात कर रहे हैं। तो सपने क्यों जरूरी है? क्योंकि सपने लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आप सपना नहीं देखोगे तो आपको मोटिवेशन भी नहीं मिलता, आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दुनिया में हर चीज़ पहले सपना देखी गई फिर वो आए, राइट? तो सक्सेस का जो फ्यूल है वो क्या है? ड्रीम्स। तो हमारे ड्रीम्स हमारे घर में कम से कम 10 जगह होने चाहिए चिपके हुए, 5 जगह कर सकते हो, 10 जगह कर सकते हो, विद पिक्चर, कलरफुल पिक्चर के साथ और एकदम क्लियर डिफाइन किया हुआ। तो ये एक साइंस है। स्टार्टिंग में हमें क्या लगता है, पता नहीं बार बार सपने लिखने के लिए क्यों बोलते हैं, हमारे दिमाग में है मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना बड़ा घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसा होता है सबके साथ जब हम ज्वाइन करते हैं, है ना? अप्लाई बार बार बोलते हैं लेकिन हमें लगता है इनको और कुछ काम तो है नहीं, हमें मिले बस वो बताते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक साइंस है। सपने क्यों लिखने होते हैं? सपने जब आप लिखते हो तो आपके अप्लाई तो आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, आप हर दिन मीटिंग में भी नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन आपको वो काम कराने की प्रेरणा कहाँ से मिले? वो काम कराने की प्रेरणा, वो घर से निकलने की प्रेरणा, जल्दी काम खत्म करके लेडीज डेमो कैसे जाएंगे, जेंट्स प्लान दिखाने कैसे जाएंगे, ये प्रेरणा आपको आपके खुद के सपने देंगे, ना कि किसी और के। किसी और की मर्सिडीज कार आ जाएगी वो आपको शायद मोटिवेट ना करे, लेकिन आपको खुद की हीरो होंडा चाहिए वो आपको मोटिवेट कर सकती है। तो सपने लिखना इसलिए भी जरूरी है कलरफुल पिक्चर के साथ। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, वहाँ पे एक सर्वे हुआ था 1979 में, वहाँ पे एक सर्वे हुआ, उसमें देखा गया कि जिन लोगों ने सपने लिखे और जिन लोगों ने नहीं लिखे दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक 10 साल बाद क्या अंतर था। तो जिन लोगों ने अपने सपने लिखे उनके जो वेल्थ है वो 10 साल के बाद जिन्होंने सपने नहीं लिखे उनकी अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा हो गई। तो ये प्रूवेड साइंस है। कई बार हमें लगता है फालतू की बात नहीं है, ये साइंस है, राइट? तो हमें ड्रीम्स लिखना है। लेडीज़ बहुत बड़ी ड्रीमर होती हैं। इस बिजनेस में आने के बाद हम बार बार बिजनेस सपनों की बात करते हैं, तो सचमुच में लेडीज़ बहुत ड्रीमर होती हैं, क्योंकि लाइफ में इतने कॉम्प्रोमाइज करना उनको पसंद नहीं आता, जेंट्स को भी पसंद नहीं आता। पर होता क्या है कि जब तक वो एजुकेशन लेते हैं तब तो बहुत सपने देखते हैं, लेकिन जब वो कमाना शुरू करते हैं और उनको पता चल जाता है कि हमारी कमाई कितनी है तो उनकी पॉकेट का साइज भी समझ में आ जाता है, और उनको ये समझ में आ जाता है कि मेरे सपने भी पूरे नहीं होंगे, ना वाइफ के सपने पूरे होंगे और ना फैमिली के होंगे। ये सही बात है, सही बात है ना? तो पॉकेट के साइज के हिसाब से हम सपने का साइज छोटा करने लगते हैं और हम इसमें मास्टरी हासिल कर लेते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि इस ज़िंदगी में जो सपने हमने देखे वो पूरे नहीं होंगे और हम उनको छोटा कर देते हैं। लेकिन बिजनेस में आने के बाद हमें पूरा माहौल मिलता है और आप एक्शन डालते हो तो वो सपने आपके जल्दी पूरे हो सकते हैं। पर इसमें कई बार लोग बहुत हताश हो जाते हैं, जैसे आपने प्लान दिखाना शुरू किया, कई बार ना मिलती है, ना से बहुत डर लगता है ना? किसी ने प्रोडक्ट लिया वापस कर दिया, रिजल्ट नहीं मिला किसी को तो आपको कंप्लेन कर दी, तो हम कई बार असफल हो जाते हैं। तो इस जर्नी में हम कई बार ड्रॉप कर देते हैं कि चलो ये बिजनेस हम नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक लड़का था, बहुत होनहार, ईमानदार, बहुत मेहनती, पूरा गांव उसको बहुत प्यार करता था, राइट? और वो बहुत मेहनती भी था, तो अपने सपनों के लिए वो काम करता था, जितना उससे हो सका उसने किया। और लास्ट टाइम में जब वो मर गया तो मरने के बाद कहाँ जाते हैं? ऊपर, स्वर्ग मिलेगा या नर्क ये तो हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। तो वो उसने अच्छे काम किए थे, नेक काम किए थे, तो उसको स्वर्ग मिला। स्वर्ग में देवदूत तो उसको लेके चले जहाँ उसको लेके रहना था, तो वहाँ देखो उसने चारों तरफ बड़ा सुंदर सुंदर नज़ारा, बहुत अच्छे अच्छे रूम बने हुए थे, सब कुछ सुंदर लग रहा था, उसको बहुत अच्छा लगा। फिर देवदूत तो उसको एक रूम में लेके गए, और रूम में जाने के बाद वो रूम बहुत सुंदर था, वो बोला धरती पे मैंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा। फिर उसको एक दूसरे रूम में जाने, वहाँ उसने देखा और वो चौंक गया। उसने सोचा
इस रूम में कुछ बहुत छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हैं बहुत सारी चीज़ों के। प्रतिरूप का इंग्लिश शायद मिनिएचर होगा, जो छोटे छोटे रूप होते हैं, जैसे हम बचपन में किचन सेट से खेलती हैं लड़कियाँ, तो बड़ा किचन तो मम्मी के पास होता है, छोटा किचन लड़कियों के पास होता है। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ रखी थी, बढ़िया सी कार का छोटा सा एक मॉडल और बढ़िया घर, ज्वेलरी, सब कुछ। तो उसने देवदूत से पूछा, ये जो यहाँ पे रखा हुआ है सामान, ये सब की इच्छा तो मैंने धरती पे की थी। तब देवदूत ने बोला कि हे इंसान, धरती पे रहने वाले लोग सपने बहुत देखते हैं, वो काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर इस जर्नी में जब उनको फेल हो जाते हैं या हताशा मिलती है, निराशा मिलती है, तो वो अपना वो सपना वहीं छोड़ देते हैं और उनको पता नहीं होता कि सपना तो पूरा होता है। अगर तुमने थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती तो ये जितनी चीज़ें यहाँ कक्ष में रखी है, रूम में, ये सब तुमको धरती पे ही मिलने वाली थी। तो अपने सपनों को कभी छोड़ना नहीं है, एकदम डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहना है और आपके सपने जरूर पूरे होंगे, क्योंकि हम विनिंग टीम सिस्टम में, पूरा सपोर्ट है यहाँ पे, कोई कमी नहीं है। कमी अगर होगी तो वो हमारे अंदर ही होगी जब सपना पूरा नहीं होगा, राइट? तो ये मैंने थोड़ी टीम्स की बात की। अभी इस बिजनेस में हस्बैंड वाइफ शुरू से ही जब प्लान देखते तो बोलते हैं हस्बैंड वाइफ साथ आओ, हस्बैंड वाइफ साथ आओ। समझ में नहीं आता क्यों आओ, कोई रीज़न नहीं, क्योंकि जब बिजनेस करते हैं तो जेंट्स तो अपना निकल जाते हैं बाहर, लेडी का वहाँ कोई काम नहीं है। लेडी अपना बिजनेस कर रही है तो वहाँ जेंट्स का कोई काम नहीं है। बार बार यहाँ पे आने के लिए बोला जाता है। तो हमें सबको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए यूनिटी बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बिजनेस है हमारा, फैमिली बिजनेस है, और ये बिजनेस हमारे घर से शुरू होता है, फैमिली से शुरू होगा। तो सबसे पहले यूनिटी हमें फैमिली में लानी है। किसी वजह से बहुत सारे परिवारों में ये चीज़ें नहीं होती हैं, राइट? इस पर एक बुक बहुत अच्छी लिखी गई है, मैन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस। तो वो राइटर बोलता है कि मतलब जेंट्स के लिए लेडीज़ बहुत अजीब है और लेडीज़ के लिए जेंट्स बहुत अजीब चीज़ है, मतलब दोनों एक दूसरे को समझ नहीं सकते, राइट? पर दोनों अलग अलग तरह के प्राणी, एक बार कहीं मिले और दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनमें प्यार हो गया और उन्होंने डिसाइड किया अब हम साथ रहेंगे। डिसाइड तो कर लिया पर पंगा ले लिया, तो उस दिन से ये धरती बन गई और वो साथ रहने लगे। और साथ रहने के बाद कुछ दिनों में जब रोज़ झगड़े होने लगे, दोनों के विचार नहीं मिलते थे, दोनों की थॉट प्रोसेस अलग थे, तो उनको समझ में आ गया कि ये तो गलती हो गई, अब ये तो हमेशा हमेशा झेलनी पड़ेगी। तो ये नेचर बन गया लेडीज़ और जेंट्स का, राइट? तो ये राइटर ऐसे लिखते हैं। तो होता क्या है कि बिजनेस में आने के पहले या बाद ये सबके घरों में होता है, छोटी छोटी बातों पे कुछ ना कुछ मनमुटाव हो जाता है। अभी घर में अगर झगड़ा हो गया और शाम को प्लान दिखाने जाना है तो उस दिन का प्लान कैसा होगा? लेडी को डेमो करने जाना है, नहीं होगा। तो हमें एक होम टीम बनानी है स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे हमें झगड़ना नहीं है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट। ये लड़ाइयाँ क्यों होती है, बहुत छोटी छोटी बात होती है। एक एग्जाम्पल देकर मैं बताऊँगी कि हम एक दूसरे का जब रिस्पेक्ट नहीं करते है ना, तो वहाँ पे झगड़ा बार बार होगा। एक दूसरे की कमियाँ मत देखें, एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखें। एक दूसरे का बॉस मत बनिए, एक दूसरे का फ्रेंड बनिए, राइट? और एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। लेडी अपनी प्रॉब्लम बता के समझाती है और जेंट्स अपनी प्रॉब्लम चुप रह के। तो ये दोनों को समझना पड़ेगा, वहाँ झगड़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से जब आप अपनी लाइफ को लेके चलेंगे तो आप एक बढ़िया रोल मॉडल बनेंगे, आपके ग्रुप में डुप्लीकेशन होगा। आप वो बोलेंगे कि प्लान तो बाद में, पहले इस कपल के साथ हम ज्वाइन होते हैं, प्लान बाद में ज्वाइन करेंगे, राइट? तो अपने आप को ऐसा बनाना है। और ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। और ये हम दोनों ने भी बहुत चेंज किया, हमने बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी जो विनिंग टीम में बताई गई, और हमारी जिंदगी में तो बहुत चेंज आया। तो इसी के साथ मैं यहाँ रुकती हूँ, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बैक टू यू। తెలుగులో అయిపోయింది